तो स्वागत है इस ज्ञापन एकेडमी के नए वीडियो में। और ये हिंदी का लेसन टू है, जो कि जिनके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा, जो कि 20 का दांत आपका जो कहानी है, ठीक है, आखिर इस चैप्टर का नाम 20 के दांत ये क्यों रखे हैं, इस कहानी से क्या तात्पर्य है, आखिरकार ये क्या हमको शिक्षा देती है, समाज के किस गुण और अवगुण के बारे में चर्चा किया गया है, यहाँ नलिन बिलोचन शर्मा जी बताए हैं। थोड़ा सा इनका नाम याद कैसे रखें, नलिन बिलोचन शर्मा। देखिए, पहले जानते हैं इनके जन्म के बारे में। 18 फरवरी 1916 में इनका जन्म हुआ। ये बिहार के थे, अपने बिहार के थे, और इनका जन्म पटना के बदरघाट में हुआ था, याद रखिएगा। पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा और माता का नाम रत्नावती देवी था। इनकी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा तो गांव में ही हुई, देहात में ही हुआ, मतलब जो भी पटना है उधर, ठीक है। और इनकी शिक्षा पटना विश्वविद्यालय में संस्कृत और हिंदी से ये एमए किए हैं। यानी जो भी लेखक लोग होते हैं काफ़ी ज्ञानी होते हैं, और वो लगभग संस्कृत, ज़्यादातर लेखक संस्कृत और हिंदी जो होता है उनकी मतलब महारत हासिल उसमें होता है, बहुत अच्छा उनके पास ज्ञान होता है। अब यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, इनका जन्म हुआ था 1916 में, इनका जन्म और मरण कैसे याद रखेंगे। यहाँ 1916 में इनका जन्म हुआ, बस 16 को पलट दीजिए मर जाएंगे, देखिए कैसे। कहने का मतलब है कि 1916 में इनका जन्म हुआ, और जैसे ही 6 को इधर करेंगे और 1 को इस साइड करेंगे तो ये 61 हो जाएगा, यानी 1961 में इनकी मृत्यु हो गई। जन्म और मरण ये याद रखिएगा। ये पटना विश्वविद्यालय में संस्कृत और हिंदी से ये एमए किए हैं। पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष ही 1959 में रहे, याद रखिएगा। ये ज़्यादा दिन तक इनका जीवन काल नहीं रहा, जैसे 45 वर्ष के उम्र में इनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन जब ये 43 वर्ष के हुए, यानी कि 1959 में, यानी ये 43 वर्ष के थे, ये पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे। और प्रधानाध्यापक कहाँ कहाँ के थे, तो हर प्रसाद दास जैन कॉलेज, आर रांची विश्वविद्यालय, ये सबके मतलब यहाँ के ये क्या रहे थे, प्रधानाध्यापक रहे हैं। इनकी मृत्यु बता दिए, जैसे कि 1961 में 12 सितंबर 1961 45 वर्ष के उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। अब थोड़ा सा ये रचना इनका देख लें, क्या क्या ये लिखे हैं। दृष्टिकोण नलिन बिलोचन शर्मा का ही है, साहित्य का दर्शन, मानदंड, आलोचना ग्रंथ, ये सब जो आदि बहुत सारा अभी लिखे हैं, ठीक है, ये नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में आखिर ये क्या बताना चाहते हैं, आखिरकार इनके लेसन का नाम जो आएगा अगले लेयर में 20 के दांत, जो 20 का दांत है, इसमें आखिरकार ये क्या बताए हैं। ये बताए हैं, यह कहानी मध्यम वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। यानी कि मध्यम वर्ग के जितने भी लोग हैं उनको अगर हम लोग दबा रहे हैं, उनको हम लोग मतलब घृणा के दृष्टि से देख रहे हैं, उसे छोटा समझ रहे हैं, तो उसको उजागर करती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 20 का दांत जो कहानी है, इसमें हम अगले लेयर में देखेंगे कि आखिर 20 के दांत इस कहानी का नाम क्यों पड़ा। नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा जो कहानी लिखा गया है 20 के दांत, आखिरकार जानते हैं कि यह कहानी जो है 20 के दांत ही क्यों पड़ा। और याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि जो 20 का दांत है वह निबंध है कि कहानी, ऐसे ऑप्शन दे करके देता है, तो ये क्या है बाबू, कहानी है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि इसमें किस कहानी में किस किस टॉपिक पर चर्चा किया गया है। यहाँ पे सामाजिक भेदभाव, समाज में गरीब और अमीर में किस प्रकार का भेदभाव होता है, अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्ति को किस दृष्टि से देखता है, कैसे देखता है, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा किया है। लिंग भेद का मतलब लड़का और लड़की में कितना अंतर लोग समाज में करते हैं, इसके बारे में बताया गया है। और एक बच्चा जो कि लाड प्यार से लोग अपने बच्चे को, बेटे को बिगाड़ देते हैं, और लोग बेटियों को संस्कार सिखाते हैं, तो ये भी काफ़ी गलत बात है, और यहाँ पे इसी के बारे में बताया गया है। इस जो ये कहानी है, इसमें कुछ पात्र हैं, जैसे कोई भी मूवी हम लोग देखते हैं तो उसमें कुछ लोग होते हैं जो कि फिल्म को बनाते हैं, जो लोग उसमें पार्टिसिपेट होते हैं, जो लोग भाग लेते हैं और हर एक कहानी के बारे में बताते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी इस फिल्म में, जिस फिल्म का नाम है 20 का दांत, इसमें कौन कौन देखते हैं पात्र है, तो सेन साहब हैं, सेन साहब से ही पता चला एक अमीर आदमी है। इनका लड़का एक ठो, जिसका नाम प्यार से लोग खोखा भी कहते हैं, इनका एक लड़का खोखा भी है। इनकी 5 लड़कियां हैं, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती, ये 5 इनकी लड़कियां हैं, मतलब ये 5ों बहन हैं। और इनका ड्राइवर भी इस फिल्म में किरदार निभाएगा, आखिरकार ये ड्राइवर इसमें क्या करेगा। और फिर उसके बाद से गिरधर है, जो सेन साहब का किरानी है, इनके किरानी है, और सेन साहब का बेटा मदन है, ठीक है। और यह लड़ाई देखेंगे कि किस हिसाब की लड़ाई है, कहा जाता है महल और झोपड़ी की लड़ाई किस प्रकार होती है, यहाँ देखेंगे।
सेन साहब, इनकी तो 5 लड़कियां थी जो कि बहुत ही संस्कारी थी। सारे नियम इन 5 लड़कियों के लिए था और इनका एक लड़का था कासू, एक ही लड़का था, इसलिए इस पर किसी प्रकार का अनुशासन नहीं था। ये जिसको जो मन करता कर, जो मन में आए वही करता, और कोई भी सामान तोड़ देता फोड़ देता, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग इसको समझ लिए थे कि ये एक प्रकार का अपवाद है, कुछ भी करेगा ठीक है, कोई इसको नहीं बोलेगा, और लड़कियों पर पूरा का पूरा नियम लागू होता है। यहाँ पे इनको देखते हैं कि किस हिसाब से अपने लड़के को इतना जो प्यार और दुलार दे रहा है, क्या वह उचित है या अनुचित है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जो कासू है, अगर ये कोई भी सामान तोड़ फोड़ देता था, कुछ भी सामान तोड़ दिया फोड़ दिया, तो इनके पापा को लगता था कि मेरा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा। कुछ भी तोड़ दिया, कुछ भी फोड़ दिया, कुछ कोई नया सामान है उसको खोल दिया, खोल के सीधे बच्चों का काम होता है कि हर एक सामान को थोड़ा सा, उन लोगों में अलग ही इंटरेस्ट होता है कि कोई सामान को तोड़ दे फोड़ दे पटक दे ठीक है। तो उनको डांटने के बजाय सेन साहब उसका और मनोबल बढ़ाते थे कि नहीं तोड़ा है इसका मतलब कि इसमें अभी से ही इंजीनियर का लक्षण दिख रहा है ठीक है। यहाँ देखते हैं, और यहाँ एक बार की घटना है कि यहाँ कुछ दोस्त लोग, मतलब कि सेन साहब के जो भी कुछ दोस्त लोग थे, ये लोग बैठ के अपने आप में बातें कर रहे थे, और उस समय ये लोग देखे कि जैसे एक लड़का, उसी में बहुत सारे दोस्त में एक दोस्त उस सेन साहब के दोस्त ही थे, वो देखे कि सेन साहब के दोस्त का लड़का अच्छा खासा माने कोई ऐसा काम किया जो कि सब लोगों को अच्छा लगा, तो उसका लोग तारीफ़ करने लगे। जब सेन साहब देखे कि दूसरे के लड़के का तारीफ़ हो रहा है, तो बिना कुछ बोले अपने लड़के के बारे में बताने लगे कि मेरा लड़का इंजीनियर बनेगा, बड़ा होके बहुत आगे जाएगा ठीक है। जब पूछा गया सेन साहब के दोस्त से कि आपका बेटा क्या करेगा, तो सेन साहब के दोस्त बोले कि मेरा बेटा जेंटलमैन बनेगा। तब तक कि बाहर शोरगुल की आवाज़ें आने लगी, और जब बाहर सब लोग निकल के देखें तो यहाँ पे जो सेन साहब का ड्राइवर था वो किसी औरत और किसी बच्चे से लड़ रहा था। सेन साहब के जो ड्राइवर था, एक अटेंडेंट मतलब एकाएक सेन साहब से बोला कि देखिए तो मदन मतलब गाड़ी को खुरेद रहा है, गाड़ी को मतलब वो नया गाड़ी खरीदे थे तो गाड़ी को खुरेद रहा है, गाड़ी को तोड़ फोड़ कर रहा है, जबकि और इसीलिए हम जब इसको डांट रहे हैं तो ये हमको मारने दौड़ रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मदन के पैर से खुद खून निकल रहा था, इसका मतलब लग रहा था कि ड्राइवर ने मदन को धक्का दिया था। मदन कौन था बताए थे, गिरधर का बेटा था। ये गाड़ी के बारे में थोड़ा सा बता दे, ये सेन साहब की बहुत ही फेवरेट मतलब मोटर थी, और ये बहुत ही महंगी मोटर थी, 7,500 की मोटर थी उस समय के लिए, 7,500 काफ़ी मायने रखता था। और इसका रंग काला था, चमकीला था, चमकीला इतना कि आप अपना मुंह भी उसमें देख करके बाल वगैरह आप अपना झाड़ सकते हैं। यहाँ देखिएगा, अब दोनों में जब विवाद हुआ तो सेन साहब मतलब गिरधर की जो सॉरी ये जो मदन की माँ थी वो सेन साहब से कुछ कहने ही वाली थी, तब तक सेन साहब एटेंडम एकाएक गिरधर की माँ की तरफ देखने लगे, उस जिसके वजह से इस कहानी में मतलब वो कुछ बोल नहीं पाए। उनको लगा कि से क्या बोलते हैं, मदन की माँ को लगा कि वो मतलब गुस्सा है, तो वो चुपचाप अपने बेटे को ले जाके मतलब ले करके चली गई, और सेन साहब बोले कि अपने बेटे को मतलब समझा के रखो। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार से देखा गया कि गाड़ी को छूने नहीं दिए, तो बच्चा होता है, मदन बेचारा बच्चा था, और उसको इस बात ये बात दिमाग में बैठ गया। इसी तरह की एक और घटना है, जैसे जब वो अपने दोस्तों में मदन खेल रहा था, डायरेक्ट टॉपिक टू टॉपिक हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। जब मदन अपने दोस्तों में खेल रहा था तो कहीं से घूमता फिरता कासू आया, और कासू भी खेलने की जिद करने लगा कि हमको भी खेलना है। अब याद था उसको मदन को कि हमको गाड़ी छूने पर हमको डांट पड़ा था, और उसके वजह से जो मदन गिरधर था मतलब मदन के जो पिताजी थे, मदन की पिटाई भी किए थे, क्योंकि वो कंप्लेन किए थे कौन, सेन साहब। अब यहाँ पे तो इस वजह से मदन को और गुस्सा हुआ था कि गाड़ी छूने के लिए एक तो ड्राइवर भी धक्का दे दिया और एक हमारे पिताजी भी बहुत ज़्यादा मार दिए। अब ये जब आया वहाँ पे खोखा, इन लोग बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता ही है, तो मदन जो था अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, उस समय आया कासू और बोला कि हमको भी खेलना है, लट्टू ले लिया, ज़बरदस्ती छीन लिया। मदन बोला कि ये नहीं खेलेगा, इसको खेलने नहीं दिया गया, बहुत सारा बच्चा एक झुंड में खेलता है, तो ज़बरदस्ती ये लट्टू उससे छीनने लगा। जब छीनने लगा तो मदन को आ गया गुस्सा, और यहाँ पे बदला लेने की बारी आ गई। जब वो लट्टू उसे नहीं दिया तो आदत से मजबूर जो कि कासू था, शुरू से ही बिगड़ा हुआ
मन तो इसका बहुत ज़्यादा चढ़ चुका था और इसको दो गुस्सा लगा दिया मदन को। अब मदन को आ गया गुस्सा, इसको क्या पता कि अमीर और गरीब क्या होता है। छोटे बच्चे कहा जाता है कि गॉड मतलब भगवान के रूप होते हैं, तो उसको पता नहीं था। अब ये माना नहीं और ये ना देखा कि मेरे मालिक के लड़का, ऐसा कुछ देखा नहीं। और मदन को मतलब मदन ने क्या किया, काशु को बहुत मार मार के और मार के दो दांत तोड़ दिए। बेचारा मदन, बेचारा काशु अपना मुंह पकड़ के और घर के तरफ भागा। लेकिन एक बात मदन के अंदर डर बैठ गया कि अब घर जाएंगे तो पक्का पिटाई होगी, इसीलिए वो घर जाने से भी डरने लगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा, ये जो हम एक टॉपिक नीचे लिखे हैं, महल और झोपड़ी की लड़ाई में हमेशा महल वाले ही जीतते हैं, ये बात सही है कि जब एक अमीर और एक गरीब, महल और झोपड़ी की अगर लड़ाई हो रही है तो हमेशा महल वाला ही जीतता है। लेकिन यहाँ पे मदन की जीत क्यों हुई? ठीक है, क्योंकि जब महल और झोपड़ी की लड़ाई होती है तो झोपड़ी वाले में से ही कोई जाके महल वाले से मिल जाता है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ड्राइवर था ये महल वाला नहीं है, ये झोपड़ी वाला ही है, लेकिन ये मदन को मतलब मदन को मार दिया, यानी धक्का दे दिया। देखिए, कभी भी दो वर्ग में लड़ाई होता है तो एक आदमी जो गरीब है और एक अमीर है, लड़ाई होने के बाद इसी में का एक आदमी इसमें मिला रहता है। कभी भी गरीब वाला जो मतलब एक पार्ट होता है वो गरीब का सपोर्ट नहीं कर पाता है। गरीब सोचता है कि हम अमीर का सपोर्ट करेंगे तो हमारा कहीं आगे भविष्य में हमारा प्रमोशन हो जाए और पेमेंट हमारा बढ़ा दे, ये सोच करके हमेशा इसीलिए महल वाला जीतता है। लेकिन यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। और इन दोनों की जो लड़ाई थी, अगर कहा जाए तो ये किस प्रकार की लड़ाई कहा जाएगा, मदन और कासू के बीच जो लड़ाई हुई, तो एक जो घर में रखा हुआ जो क्या बोलते हैं उसको, गांव का जो कुत्ता एक होता है और एक घर में जो लोग पालते हैं उस टाइप का जो एक कुत्ता होता है, इन दोनों में लड़ाई हुआ था। ये मतलब किताब में आपका दिया हुआ है। अब ये जब लड़ाई हो गया तो मदन अब डर से घर नहीं जा रहा है, तो उसे अब डर लग रहा था। वो रात को धीरे धीरे गया और देखा कि उसके मम्मी और उसके पापा एक दूसरे से बातें कर रहे थे, वो चुपचाप सुन रहा था। उसे डर था कि आज अगर घर जाएंगे तो पिटाई होगा, फिर भी वो घर गया और घर जाने के बाद पापा के सामने चुपचाप खड़ा हो गया। उसे लगा कि पिटाई होगी। जब वो सामने खड़ा हो गया उसके बाद से उसके पापा उसको मतलब उठा लिए, ठीक है, और गले लगा लिए। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये मदन सोचते रह गया कि हमको लगा कि हम आज बहुत पिटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मदन के पिता उसे इसलिए नहीं मारे क्योंकि सेन साहब उनको नौकरी से निकाल दिए थे। इस लड़ाई के बाद से सेन साहब नौकरी से, फिर भी मदन को नहीं, मदन को गिरधर पिटाई नहीं किया। ये ऐसा क्यों इसलिए किया क्योंकि वो अपने बेटे को शाबाशी दिए और बोले कि चलो कुछ हुआ ना हुआ, मेरा बेटा तो दब के रहना नहीं सीखा, मतलब अमीर के पैरों तले दब के तो नहीं सीखा। यही पूरी की पूरी इसमें ये कहानी थी। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स।